नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अब अपील ये है, ये जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना, ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जाने बच रही हैं, सैकड़ों जाने बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये प्लीज, दरख्वास्त है। थैंक यू। घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे, और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत जरूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद पे खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना जरूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ, बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफर से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब, बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवरटाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है। हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली रेस, पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा, ना सिर्फ खुद जीतेगा बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है, बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए, इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। नमस्कार। I appeal to all the people to avoid public places and to avoid commuting by trains and buses if not absolutely necessary. The next 10 to 15 days are extremely, extremely crucial. To fight this crisis, the government and the citizens have to put up a strong joint front. So I appeal again, please do not panic. Please be careful about misinformation and please follow the instructions and guidelines issued by the state government. प्रॉब्लम यह है कि हम सब जीनियस हैं, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह कि हमें किसी की सुननी ही नहीं है। सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखने, लेकिन जब 2 हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशन, रिपोर्ट, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। सालों जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना,
फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई हैं, कुछ तो शर्म कर लो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई हैं, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट्स पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा, या इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट्स 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियो, एक एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर लगा लगा के अपने फोटोज पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज, न्यूटेलास, फ्रोजन योगर्ट हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो शुरू भी नहीं हुआ है, फेज 3 पहुंच गया ना एक बार, तो उसी फोन पे गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा कोरोना का स्ट्रेस होता क्या है। जब मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रंप भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, इनको आता है। डॉक्टर फौकी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वायरसों का, वो भी बोल रहा है कि अगर ओवर रिएक्शन भी लग रहा है ना तो भी घर बैठो। और यहाँ लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के आ रहे हैं जुहू बीच पर पाव भाजी खाने। फौकी देख लेगा ना तो नौकरी छोड़ देगा, डिप्रेशन में आ जाएगा बेचारा, और यही करते रहे ना तो ट्रेनें भी बंद हो जाएंगी। इटली वीडियो बना बना के भेज रहा था दुनिया को कि उन लोगों को बता पाए कि इन लोगों ने 10 दिन तक क्या गलतियां की। हम वही कर रहे हैं अभी। दोस्त फोन करके ड्राइव पे जाने के लिए बोले ना तो उसको भर भर के गाली दो, खुद भी बैठो और सबको बोलो घर बैठे अपने अपने, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको बताते जाओ जब तक कि गवर्नमेंट कोई गुड न्यूज नहीं बताती। इलाज बन रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल में जा चुके हैं, सब पे एक साथ आई है मुसीबत, सब एक साथ मिलेंगे तो निकल जाएंगे इसमें से। खुद पे और दूसरों पे भरोसा करो ना, प्लीज पार्टी मत करो ना, ट्रैवल मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, नेटफ्लिक्स अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, GFBF को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, करो ना स्टॉप करो ना। वी नो वी आर ऑल गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड द ओनली वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इज बाय एक्टिंग टुगेदर। वी आर स्टेइंग एट होम फॉर आवर सेफ्टी एंड फॉर एवरीवन एल्सस वेल। And you should do it too to prevent the further spread of the virus. Let's make it safe for us and everyone else by self-isolation. Stay home and stay healthy.